हाय फ्रेंड, मैं विद्यासागर और आप देखें अभी इसके विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जंतु गर्भकाल, यानी जंतु का गर्भकाल, यानी जंतु अपने माँ के गर्भ में कितने समय तक रहता है, सभी के बारे में जानेंगे। गर्भकाल कहने का मतलब गर्भ में कितने समय के लिए वो रहता है, या कह सकते हैं किसी भी जंतु का जन्म कितने दिनों पर होता है, गर्भधारण करने के बाद कितने दिनों पर होता है, तो इसी के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से आप देखिए किस जंतु का कितने दिन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ जंतु का नाम दिया हुआ है, यहाँ गर्भकाल दिया है, समय यानी दिन में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, हाथी का जान लीजिए 624 दिन, हाथी का 624 दिन याद रखिएगा आप। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा का ध्यान दीजिए 330 दिन, घोड़ा का 330 दिन होगा। बाघ, तो बाघ होगा 155 दिन, बाघ जन्म लेता है गर्भधारण करने के बाद, उस बाघ का शिशु या बाघ जन्म लेता है 155 दिन में। कुत्ता देख रहे हैं, कुत्ता जो डॉग होता है 63 दिन, याद रखिएगा 63 दिन में उसका जन्म होता है। 63 दिन कहने का मतलब 2 माह 3 दिन। भैंस, तो भैंस 300 दिन, 300 दिन कहने का मतलब 10 माह। तो भैंस को तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि भैंस आपके अगल बगल या आपके घर में पालने पोसने वाले पशु है। चूहा, चूहा ध्यान दीजिए, चूहा 21 दिन, यानी 1 माह से कम दिन में ही चूहा अपने शिशु को जन्म देता है, यानी चूहा का जो बच्चा होता है अपने माँ के गर्भ में 1 माह से कम दिन ही रहता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए गिलहरी, गिलहरी 40 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा गिलहरी 40 दिन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चीता, यहाँ पे ध्यान दीजिए चीता 95 दिन, याद रखिएगा चीता जो होता है 95 दिन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए चीता तो जान गए 95 दिन, 95 दिन कहने का मतलब 3 माह 5 दिन। ऊँट, ऊँट देखिए 400 दिन, 400 दिन कहने का मतलब 1 वर्ष और 3 माह से ज़्यादा, 1 वर्ष 3 माह यानी 400 दिन जान सकते हैं, सॉरी 1 वर्ष 3 माह नहीं होगा, 1 वर्ष 1.5 माह होगा, कहने का मतलब लगभग में। गाय, गाय देखिए गाय 284 दिन, यानी 10 माह से कम ही, 10 माह कहने का मतलब 300 होता है, 10 माह से कम यानी 9.5 माह कह सकते हैं। बकरी, बकरी देखिए 151 दिन, याद रखिएगा 151, ठीक है। इसके बाद देखिए सुअर, सुअर का जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो 114 दिन अपने माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद बाहर आता है यानी जन्म होता है उसका। गधा, गधा देखिए 365 दिन, इसको याद रखिएगा गधा को, क्योंकि गधा को आप लोग ये ऐसे भी याद करते हैं तो 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो गधा को याद रखिए, क्योंकि साल जब बीतता है तो आप लोग कहते हैं तो गधा जन्म हो गया, कहने का मतलब किसी भी चीज़ का गधा जन्म, मतलब कहने का मतलब साल लग जाएगा तो गधा जन्म हो जाएगा, मतलब 365 दिन से गधा जन्म याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए, तो गधा का तो सबको याद रहेगा, अब आप भूल ही नहीं पाएंगे, थोड़ा जो 5-6 है उसको याद रखिएगा, ठीक है। शेर का, तो शेर देखिए 120 दिन, 120 दिन कहने का मतलब 4 माह शेर अपने माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद उसका जन्म होता है। बिल्ली, बिल्ली 50 दिन, तो बिल्ली ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए शेर तो 120 दिन जान गए, इसके बाद बिल्ली, बिल्ली देखिए 50 दिन, 50 दिन कहने का मतलब 1.5 माह 5 दिन, मतलब 1.5 माह से थोड़ा ज़्यादा। इसके बाद भेड़िया, भेड़िया देखिए 63 दिन, याद रखिएगा भेड़िया 63 दिन, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन के जवाब जरूर दीजिएगा। मानव, मनुष्य या आदमी कह लीजिए, इसका गर्भकाल कितने समय का होता है, कितने दिन का होता है, यानी इसका बच्चा कितने दिन पे अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, यानी इसका कितने दिनों में जन्म होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट में आप लिखिएगा तो जो लोग सबसे पहले सही बताएंगे उनका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, यानी सबसे ऊपर में रहेगा हेड लिस्ट में, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक एक तो बनता है, आपके लिए इतना मेहनत करके लाते हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है, ऐसा वीडियो देखने के लिए या इससे भी अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे देखिए लाल कलर का बटन जो दिया गया है उसको दबाकर, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।